हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, तो अब उससे आगे ले चलेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, दो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे हमारे। कौन कौन से दो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे? एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मना कर दिया था, और एक क्वेश्चन नंबर शायद 17 है जो मना कर दिया था। ठीक है ना? तो हम आज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, और आज एक और कॉन्सेप्ट हम आगे भी लेके चलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए। देखो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम पे एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है कि आपका नॉर्मली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है, एक बार मैं पार्टनरशिप डीड की बात करता हूँ, तो डीड आप सबको याद है ना, क्या किसे बोलते हैं डीड? जैसे कि मान लेते हैं, ये मुझे एक छोटे से जवाब देना, उसके बाद ही मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा, ठीक है ना? आप एक छोटा सा मुझे जवाब देना, और एक ये पार्टनर है, एक है ये रामू, ये है शामू, ठीक है? रामू और शामू ने एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातों को डिटेल डिस्कशन किया, जैसे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सपोज 3:2, जैसे हमारा नाम कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है? ये डीड बनाया। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, अगर रामू ने कैपिटल 5 लाख लगाया और शामू ने कैपिटल 3 लाख लगाया है, हियर नेट प्रॉफिट हमारा है मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा बताओ? P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ना? आप सबने सीखा है सर, इसका तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है, हमें आता भी है कैलकुलेशन करना, है कि नहीं? तो इसका तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है बड़ा ही आसान? आप क्या करोगे इसमें, आप करने वाले हो यहां पे इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं आपके काम के लिए, और अच्छे से पढ़ना। देखो, लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं पते, नहीं खुलेगा, अब उसके बारे में चिंता ना करके क्वेश्चन एक एक करने हैं हमें ईमानदारी के साथ। कुछ बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं हमसे, काफी रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं जुड़ते, तो उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि भाई आप स्टार्ट कर दो, आप रिजल्ट का वेट मत करो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा जब भी आएगा। बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मैंने बताया 2 लाख, आप क्या करोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? बोलो हाँ, बोलो दोगे ना दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका दोगे सर? एक रामू का, एक सामू का। तो रामू का कितना आएगा, 6% है, चलो परसेंटेज आसान कर देते हैं, 10, तो इसका 50,000, और दूसरे का 10%। सामू का कैपिटल है ना, ये क्या है बताओ, कैपिटल है ये, और ये भी क्या है हमारा, कैपिटल है। तो बच्चे इस पे हम क्या देखेंगे कि 3 लाख पे कितने, 10% यानी 30,000, रिजल्ट आया हमारे पास 80,000। नाउ प्रॉफिट इज, बताओ प्रॉफिट क्या है, कौन बच्चा बताएगा सबसे फास्ट प्रॉफिट, बताओ बताइए सबसे फास्ट प्रॉफिट कौन बता सकता है, कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी मैं वेट कर रहा हूं आपका, प्रॉफिट निकाल के बताओ। अच्छा, प्रॉफिट ट्रांजैक्शन
ट्रांसफर कहाँ ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो 1,20,000 सही जवाब, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया 1,20,000। अब 1,20,000 पे हक रामू का है एंड श्यामू का। रामू और श्यामू क्या करेंगे, इस 1,20,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2 में, तो 120 बांटेंगे ये। थ्री इस टू टू में, तो अगर मैं 1,20,000 को 3:2 में बांट देता हूं तो क्या आएगा, 72,000 रामू के हिस्से में और इस टू टू 48,000 श्यामू के हिस्से में, यही रहेगा, ये हम सीख चुके हैं। मान लो ये डीड होता और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन होता, तब रिजल्ट क्या ढूंढ पाते, कैसे होता बताओ। ये तो अभी आपने प्रॉफिट बताया सर, अगर डीड में 10% गिवन है तो इंटरेस्ट है जी, और इंटरेस्ट क्या है, 72 और 48, है कि नहीं। तो जैसा डीड बोलेगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे, दे रखा है। लेकिन मान लो डीड में मैं 10% नहीं देता तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, हाँ? मन से सोच के बताओ, क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। आपका जवाब आएगा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डीड में है ही नहीं तो नहीं देते, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो कितना प्रॉफिट आता, टोटल 2 लाख, और 2 लाख रुपए ही इन दोनों में बांट दिया जाता इस रेशो में 5:3। समझ में आया मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि ये टोटल 2 लाख होता, इधर 2 लाख आता, कुछ माइनस करने लायक है ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते नहीं, तो 2 लाख बट जाता, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने 10% लिखा है, ठीक है, इसे मिटा दूं ना। समझ में आया ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। समस्या पता है कब आ जाएगा, समस्या लड़ाई और झगड़े की कब आ जाती है पता है। सपोज करो मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है 40,000, ठीक है, चलो डीड में दे रखा है 40,000, ये दोनों सोच के बैठे हैं कि इस साल के प्रॉफिट को भी हम बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा जाए तो कितना बनेगा, अगेन इसका बनेगा, हमारा 10% है तो 50, है ना, और इसका 10% है तो 30, तो 80,000। अब बताइए कैसे निकालोगे, अब बताओ कितना प्रॉफिट आएगा। हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो है 40,000 और इंटरेस्ट बन गया हमारा कितना, 80,000 रुपए। अब यहां क्या होगा बताओ, अब यहां पे इन दोनों पार्टनर को आपस में बातचीत करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपस में क्या बात करेंगे, अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से मेरे बिजनेस तो लॉस में चला गया, और जब लॉस में जाएगा तो आगे लोन वगैरह कैसे मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से लॉस में कैसे गया बताऊं। देखो 80,000 इधर आएगा, 80,000 इधर, तो इधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, लॉस, और लॉस बांटेगा कौन, आर और एस, इसकी वजह से, ठीक है ना। अब ये दोनों बात करेंगे कि 10% ब्याज तो देना है, लेकिन अब ब्याज की वजह से लॉस हो रहा है, डीड में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर सिचुएशन में देना पड़ेगा। जो यहां पे लिखा ना 10%, इसका मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तभी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात को समझना आप। जो यहां 10% लिखा है इसका मतलब है जब प्रॉफिट होगा तभी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो लॉस में तो नहीं मिलेगा इसे 10%, लॉस में क्या इंटरेस्ट मिलेगा इसे, लॉस में इन दोनों को इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों को इंटरेस्ट अभी भी मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब, अभी भी मिलेगा,
लेकिन इन दोनों को इंटरेस्ट मिला के मिलेगा 40,000। अब 40,000 में भाई अकेला ही इसका 50,000 बन रहा है, तो ये राम बोलता है भाई मैं तो लेके निकल रहा हूं अपना ब्याज 40,000, 10 छोड़ देता हूं। श्याम श्याम बोलेगा, श्यामू क्या बोलेगा, भाई मुझे तो मिला ही नहीं। अब ये बहुत ही देखा जाए तो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। अब बताओ इसका समाधान क्या होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जब ज्यादा हो, यानी प्रॉफिट प्रॉपर मात्रा में हो हमारे पास, तभी देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन देख रहे हो ना, क्या आपको लग रहा है कुछ सिचुएशन अलग है? बिल्कुल लग रहा है। तो अब इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? वो मिलेगा इक्वल टू प्रॉफिट। तो इसका एक उपाय है, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को छोड़ दो, हम इसको इसके कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। जो इस 40,000 को किसमें बांटेंगे? हम कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, ठीक है ना, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है? 5:3, 5:3। तो 40,000 को 5:3 में बांटेंगे तो 5/8, तो क्या आ गया? 8/5, 25,000, है ना। और दूसरे को कैसे मिलेगा? ये तो रामू का हो गया, श्यामू का कैसे होगा? 25,000, सॉरी 40,000 इनटू में 3/8, 15,000। तो अब पता है क्या होगा, यहां पे 25,000 रुपए इसको ब्याज मिलेगा, भले ही इसको मिलना 50 था, और इसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 15,000। अब प्रॉफिट नहीं बटेगा कुछ भी, अब जो है प्रॉफिट नहीं बटेगा, बस हमारा आंसर यहां कंप्लीट हो गया। तो क्या आपने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का महत्व को समझा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा? जब हमारा प्रॉफिट इन आपका सफिशेंट होगा। प्रॉफिट सफिशेंट समझते हो कि इंटरेस्ट दोनों का अगर हिसाब किताब कायदे से देखा जाए तो बताओ दोनों का कायदे से कितना हिसाब किताब बन रहा था? तो 50 और 30, 80। अगर 80 से ज्यादा हमारा प्रॉफिट होता तब कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। चूंकि 80 से इंटरेस्ट से कम प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट तो छोड़ो, जितना पैसा पड़ा है उसी पैसे को हम बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? वो कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा। समझ में आई बात आपको ना? सिंपल है? हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल है। तो बस हमारा यही समझाना है, और दो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया भी था इससे रिलेटेड। एक बात और, क्या डीड है या नहीं है? है डीड। क्या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है? नहीं, गिवन है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे कब किया जाना चाहिए वो नहीं लिखा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, यानी क्लियरली एग्रीमेंट नहीं गिवन। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिख देता हूं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेंगे। अब इस डीड का क्या मतलब है बताओ? क्या सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा? देखो पहले भी डीड था, अब भी डीड है, लेकिन यहां डीड में एग्रीमेंट क्लियरली गिवन है। अगर ये सिचुएशन आए तो इसको आप नोट करना साथ के साथ। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपके बुक का भी करूंगा और यहां पे टॉपिक बना दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आप बताइए, आप खुद बताइए कैसे होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। चाहे लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा? इसको हटा देते हैं, ठीक है, टिक टिक हटा दिया। चलो चलो 40,000। अब आएगा इसका इंटरेस्ट, बोलेगा भाई मुझे तो देखो डीड में लिखा था कुछ भी हो इंटरेस्ट लेंगे, यानी मैं लूंगा 50,000 रुपए और मैं लूंगा 30,000 रुपए इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो टोटल क्या आ गया? 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। ओहो सर 80,000, बिल्कुल।
अब 80,000 में से अगर 40,000 माइनस कर देंगे तो लॉस आ गया, लॉस आ गया। ओ प्रॉफिट भी इधर लॉस भी, कोई बात नहीं आ सकता बेटे, 80 40 हजार, और बटेगा रामू में और शामू में, रामू में और शामू में। बताओ कितना निकलेगा, 80 में से 40 गए तो बचे 40। अब ये 40 बांटा जाएगा जो कि इसके हिस्से में आ जाएगा 25,000 का लॉस, और इसके हिस्से में 15,000 रुपए। समझ में आई बात? तो लॉस भी हुआ तब भी बांट दिया, कब, जब ऐसे बातें लिखा हो। लेकिन सर हमें कैसे पता चले, जब क्वेश्चन में बोले ना कि क्लियर एग्रीमेंट गिवन है ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोले सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और कुछ बोला ही नहीं, तब लॉस होने मत देना, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट देना। समझ में आई बात आपको? तो बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता था। तो जब प्रॉफिट गिवन होता था वो क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन लॉस वाले केस वाले को नहीं किया था हमने, तो आज हमने इसको भी देखा। तो इसको फटाफट से नोट करिए, आज हम इस टॉपिक को खत्म करें। जल्दी जल्दी नोट करिए, अब देखिए दोनों केस में डीड गिवन होगा। मैं दो केसेस बना रहा हूं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन डीड, एक होगा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ऑन डीड विद क्लियर एग्रीमेंट, क्लियर एग्रीमेंट, ठीक है ना, क्लियर एग्रीमेंट। क्लियर एग्रीमेंट का मतलब समझ में आया, जो मैंने लिखा था मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, तो वो क्लियर एग्रीमेंट है। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डीड में नहीं गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो समस्या ही नहीं सर, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन डीड में देने के बाद भी कई बार ना डीड में बातें लिख तो देते हैं, लेकिन कई बार अनक्लियर लिख देते हैं, तो उससे आगे चल के समस्या आ जाती है। तो उसका समाधान इस तरीके से किया जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें दो पार्ट हो सकता है ना? बताओ क्या क्या दो पार्ट हो सकता है, बताओ जल्दी जल्दी। एक तो जो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तीन पार्ट हो सकता है देखो। एक हो सकता है हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है, एक्स्ट्रा सरप्लस। एक हो सकता है लेस सरप्लस, और एक हो सकता है लॉस। हो सकता है ना तीनों पार्ट? इसमें बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बिल्कुल पूरा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या? यस, फुल दिया जाएगा, है ना? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यस इसमें भी दिया जाएगा, यस, लेकिन इक्वल, इक्वल टू प्रॉफिट, ज्यादा मत दे देना नहीं तो लॉस में चला जाएगा। क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा लॉस के केस में? नो नो, नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात आपको, कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में तो गिवन है, लेकिन लॉस या प्रॉफिट में देंगे या नहीं देंगे ये नहीं बताता। तो हमारा अगर प्रॉफिट बहुत सारा प्रॉफिट है, तब तो दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो जितना प्रॉफिट है उसी को कैपिटल रेशियो में बांट दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। प्रॉफिट है ही नहीं तो भाई नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लेकिन इस केस में, इस वाले पार्ट में, इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल सिचुएशन, अब बताइए इन ऑल सिचुएशन का मतलब क्या है, बताइए। इन ऑल सिचुएशन, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या, यस दिया जाएगा, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन किया था, लॉस निकाल के दिखाया था, वो ये था जो मैंने नीचे लिख दिया था, है ना। समझ में आई बात आपको? तो ये बात ध्यान रखना, और एग्जामिनर बड़े ही चालाकी से ये काम कई बार आपके साथ करता है। अब देखो, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कई बच्चों का डाउट होता है, तो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, और इसका 1 लाख कैपिटल। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा एग्जाम्पल लो, समझ में आना चाहिए बस। 1 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट या थोड़ा बढ़ा दे, चलो आप बोलते हो बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट 40,000 है, ठीक है, 40,000, चलो 1 लाख रहने दो, नहीं तो इसको 1 लाख, और मैं थोड़ा पॉइंट में ना आए इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ये लो जी, ठीक है। एंड प्रॉफिट 60, मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा है 60,000, ठीक है, हमारा प्रॉफिट क्या है 60,000। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इसके हिस्से का होगा 10,000, और इसके हिस्से का होगा कितना हमारा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा इसके हिस्से का। सर इसके हिस्से का होगा 40,000, सिंपल सा है ना, बोलो ना, बी निकाल रहे हैं ना, बी बोलता है सर मेरा तो 10% है, तो 40, 50, प्रॉफिट 60 है, तो यानी नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। लेकिन मैंने यहां सैलरी डाल दिया, सैलरी टू ए 20,000, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया, बस कैसे करेंगे जी, बाय साइड में लिखेंगे, नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको, क्या लिखूं मैं, 60,000, टू सबसे पहले सैलरी दो, सैलरी किसका, बी का, सॉरी ए का, ए का कितना 20,000। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। अब मुझे बताइए, अगर मैं 60,000 में से 20,000 सैलरी निकाल देता हूं, ध्यान से सोचना, 60 में से 20,000 सैलरी निकाल देता हूं, तो कितने बचे 40, लेकिन इनका इंटरेस्ट कितना बन रहा है बताओ, इन दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है 50, लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना है 40। तो फिर कहीं ना कहीं अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूं 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दूं मैं 40,000, तो 60, 50 और 20, 70, तो कहीं ना कहीं मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, डीड में अगर क्लियर एग्रीमेंट नहीं है ना, तो लॉस में तो जाना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। तो अब क्या करेंगे हम, सैलरी तो प्रॉपर मिलेगा, सिर्फ ये रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है, हर किसी पे नहीं लगाना आपने, सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो ये बचा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बचा हमारा कितने बचे भाई, 60 में से 20 निकल गए 40, ये 40,000 रुपए आपस में बांट लेंगे, किस रेशो में, कैपिटल रेशो में, यानी 1:4 के रेशो में, ठीक है ना, 1:4, कैपिटल देखो ए का ये है और बी का ये है, तो यहां पे आएगा हमारा 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000 और 32,000, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा यहां पे, ठीक है ना, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा यहां, क्लियर। तो ये सिचुएशन भी मैंने बताया नहीं था, तो
सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बाकी सैलरी हो या फिर कमीशन हो, ये सारी चीजें तो देंगे, ये तो मेहनत की कमाई है उसकी, तो वो चीजें देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट करिए, और पहले नोट कर लीजिए आप, या फिर पॉज करके वीडियो तो देख ही रहे हो, पॉज करा स्क्रीनशॉट लिया, नोट करिए आप। अगला एक पॉइंट बताऊं, बताओ एक पॉइंट मैं बताऊं आपको, चलो बताता हूं, आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं एक पॉइंट बता देता हूं। मान लो यहां पे हमारा एग्रीमेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या होगा, एग्रीमेंट क्लियर मेंशन होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन वेदर प्रॉफिट और लॉस, तब क्या करते हैं बताओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से। तो क्या करते हैं, सर अगर हमारा लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो दिया जाएगा, तब हम यहां पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, कितना 10,000 और 40,000, और यहां पे लॉस क्या होता आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। समझ में आई बात आपको? आप सब बच्चों का मैं कई बार देखता हूँ कि भाई वीडियो अगर आप देखते हो, अगर YouTube पे देख रहे हो, तो एटलीस्ट या देखो जब अच्छा लगे आपको तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक या कमेंट कर दो कि सर आपने इस तरीके से करा है। उससे क्या होता है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़े नए नए आइडिया से और करवाऊँ, ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है। तो आप ये फटाफट से नोट करिए, इसको नोट करने के बाद मैं बुक के जो आपके कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे वो मैं कर लेके आता हूँ, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को ढूंढता हूँ, आप इतने इसको नोट करिए। कर लिया नोट, चलिए इसने भी नोट करना है, और अपनी भाषा में लिखना है कि सर ने ये बताया था तो इसका इस तरीके से किया है। जो आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, क्योंकि देखो मैं बेसिकली जो बुक आपको प्रेफर करूंगा टीएस ग्रेवाल की बुक है, उसी के ही क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स भी हैं, उसके हिसाब से भी करेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 1 अप्रैल 2013 को जय विजय एंटर इंटू पार्टनरशिप फॉर्म, सप्लाई आपका लिबर्टी इक्विपमेंट, कुछ है इक्विपमेंट का काम, गवर्नमेंट स्कूल, सिचुएशन टू द रिमोट बैकवर्ड एरिया, इसमें वैल्यू भी हो सकता है, बैकवर्ड एरिया मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है, भले का काम कर रही है ना। इसके बाद दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 80,000 एंड 50,000, यानी 80 और 50, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो 9% पर एनम। अब बताओ मुझे कि 9% पे कोई एग्रीमेंट है क्या गिवन के प्रॉफिट एंड लॉस, तो नहीं, तो भाई लॉस में तो नहीं देंगे आपको। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न प्रॉफिट 7,800 रुपीज, सो कैलकुलेशन क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जय विजय के लिए करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, सर इससे पहले तो ध्यान नहीं रखा, इससे पहले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उन सभी क्वेश्चन में प्रॉफिट बहुत सारा हुआ करता था, इसमें नहीं है, इसलिए स्पेशली मैं कर रहा हूं। चलो एक बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, और एक और बात, जब कभी हम लॉस में आ जाए ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कभी नहीं बनेगा, तब बनेगा हमारा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेंगे लॉस वाले क्वेश्चन भी। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नीचे जो भी लिखते हैं हम, फॉर द ईयर एंडिंग
ये प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देता है बाई साइड में, बाय नेट प्रॉफिट 7800 है ना, 7800 नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट, जब इसने 7800 रुपीज दिया है और दोनों का कैपिटल क्या गिवन है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा। सेवेंटी एट हंड्रेड एट कैपिटल है 80,000, तो यहां पे बोलते हैं भाई जय और विजय, इसका कैपिटल 80,000, ओहो, इसका कैपिटल 50,000 है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, तो इस पे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% निकाले कायदे से, तो 7200, और इस पे 9% निकाले तो 4500, यही आएगा। जिसका दोनों का टोटल अगर अंदाजे से देखें तो क्या बन गया हमारा, 7 और 4 11, 11,900 रुपए बन गए, है कि नहीं। और हमारा प्रॉफिट बताइए कितना है, 7800। तो नाउ क्या हम पूरे 7200 और 4500 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, और देंगे हम किसको, जय को और विजय को, लेकिन ओनली 7800, किस रेशियो में कैपिटल, कैपिटल रेशियो क्या है, 8:5। 7800 को डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू में 8/13 और 7800 इनटू में 5/13, ठीक है, 7800 इंटू में 8/13, तो इसके हिस्से में 4800 आ गया, और इसके हिस्से में 3000। नाउ 7800, और यहां कोई प्रॉफिट या लॉस बांटने का प्रावधान ही नहीं है, ये ना अजम्पशन होता है हमारा। वैसे तो अगर रियल लाइफ में देखें तो पार्टनर से म्यूचुअल एग्रीमेंट ले लेंगे, भाई क्या करें बताओ, जल्दी बताओ आप क्या करना चाहिए, वो बोले बांटो लॉस, बांटो लॉस, बांटो, कोई दिक्कत नहीं, तो बांट देंगे भाई रियल लाइफ में। लेकिन बुक के अंदर थोड़ी बोलेंगे कि भाई विजय निकलो किताब में से और बताओ कितना बटेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट आपका 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और यहाँ कुछ नोट भी दे दिया, सिंस हिंट में दे रखा है इन्होंने, तो हिंट वगैरह तो देखो आप पढ़ लेना, वो सारी बातें तो मैं बता ही देता हूँ नोटबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में कहता है एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टली, दे डिसाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देयर रिस्पेक्टिव 3:2 एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, 1500 ओनली, शो द प्रॉफिट वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है। वेयर देयर इज क्लियर एग्रीमेंट इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउड इवन लॉस, बताइए मजा आया नहीं आया बताओ। अब क्वेश्चन में एक दो पॉइंट कहता है, यानी बोल रहा है दोनों तरीके से करके दिखाओ एग्जामिनर। तो एक में कहता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रखा है लेकिन उस पर एग्रीमेंट नहीं है कि लॉस प्रॉफिट, और दूसरे में एग्रीमेंट है, तो पहले वाले केस में लॉस में जा सकता है क्या, आंसर पहले वाले केस में लॉस में नहीं जा सकता और दूसरे वाले केस में लॉस में जा सकता है। तो यहीं पे करके दिखाऊं, आई होप इसको नोट किया होगा, नहीं किया तो भाई स्क्रीनशॉट लो और पॉज करो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो कि आपने कैसे किया है ये क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसी की मदद ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चे जी सर, ठीक है। वो क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या, नहीं सर आप करा दो, ठीक है चलो करा देते हैं।
एक्स और वाई, एक्स है और वाई है, 20,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियरली 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 6%। तो आप मुझे जवाब दीजिए, 6% इस पे कितना आएगा? 1200 रुपये आईयूसी, और 6% इस पे 600, 1800 रुपये होते हैं। क्वेश्चन में कहता है भाई हमारा प्रॉफिट ही 1500 है, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1500। लेकिन पहला पार्ट बोलता है कि वेयर देयर इज, कहता है कि पहले पार्ट में वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है कोई एग्रीमेंट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, यानी उस पे तो है एग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन क्लियर एग्रीमेंट नहीं बताया उसने। तो भैया अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को जोड़ ले तो क्या आ गया हमारा? 1800 आ गया। तो 1800 अगर मैं यहां लिख दूं, 1500 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो क्या कंपनी लॉस में, फर्म लॉस में पहुंच जाएगी? बिल्कुल सर। तो अब क्या करना चाहिए, आप मुझे जवाब दो सर, अब क्या करना चाहिए? वेरी इजी, बताओ वेरी इजी क्या है? आपने बोल तो दिया वेरी इजी, बताओ जल्दी कैलकुलेट करके। सर इस 1500 को बांट दो कैपिटल रेशियो में। ओहो, कैपिटल रेशियो में बांटना है? बिल्कुल सर, कैपिटल रेशियो आपका क्या आया सर? 2:1 आया। इसको बांटो 1500 को। मैंने बोला ये वेरी इजी, तो जल्दी जल्दी बांट के दिखाओ, जल्दी जल्दी बांट के दिखाओ, आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड है। 1500 को जल्दी जल्दी बांटो, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। हाँ सर, बांट लिया। चलो, कुछ बच्चों का जवाब भी आ गया है। बांटा क्या है? 1500, 1500 इंटू में 2/3, और बोला सर एक का 1000 और दूसरे का 500। बहुत अच्छे। तो अब देते हैं हम किसको? एक्स और वाई को, एक को 1000 और एक को 500। खत्म क्वेश्चन, खत्म, और कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, खत्म। चलो जी, पहला पार्ट वन हो गया। केस दो थे ना इसमें, तो केस वन किया है मैंने। नोट करिए फटाफट से, चलिए नोट करिए। हाँ सर, नोट करेंगे सर, आप दूसरा पार्ट भी कराओ ना। चलो, दूसरे पार्ट में क्या कहता है? वेयर कंपनी लॉस में पहुंच जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और पीएसआर है 2:3। इसका पीएसआर दे रखा है आपका, पीएसआर 2:3, पीएसआर 2:3 है, 2:3 है सर, बिल्कुल 2:3। चलो, इसको नोट करना है, बिल्कुल पॉज करके नोट करना है। और चलिए, अब लॉस के केस में भी हो जाए, एग्रीमेंट दे रखा है, तो सर एक काम करो ना, इसको पूरे 1200 ब्याज दो, और इसको पूरे कितने दो? 600। अच्छा, 1800। अब लॉस कम बिजनेस बोल ही रहा है, हो जाए कोई बात नहीं, हम ब्याज ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 1800 यहां लिखा और 1800 यहां लिखा, और बाय साइड में लिखा, दिखा दो आप लॉस को, क्या करेंगे? दिखा दो ए और बी को, दे दो, ये इसी से संतुष्ट है। इस लॉस में कितना आया सर? लॉस 300 आया ना, क्यों आप इतना बोलते हो? लॉस बांट दो ना फटाफट से। अच्छा, अब बताओ मुझे किस रेशो में? सर पता तो है हमें, लॉस किस रेशो में? पीएसआर में बटेगा, कैपिटल रेशो कहाँ दिमाग लगा रहे हो सर आप? अच्छा, 2:3 हमारा पीएसआर है, और पीएसआर में लॉस को बांटे तो क्या आएगा हमारा? यानी आएगा 300 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 120 और 180, तो आ गया 320, 300 रुपए का लॉस। ये लो जी, हो गया क्वेश्चन, हो गया, नोट करिए। करिए नोट फटाफट से। सारा आगे से तो हटो, नोट करना। हाँ नोट कर लो बच्चे, नोट कर लो। एक बच्चे का क्वेरी आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हो रहा हमसे, 15 समझा दो एक बार सर, प्लीज सर समझा दो एक बार। तो बच्चे 15 में क्या है देखूं मैं, ए बी एन सी आर, आप नोट करते रहिए जिसका 15 में डाउट है। ए बी एन सी, फिक्स कैपिटल 10,000, 20,000, 30,000 रुपीज। ए का मंथली सैलरी है 12 से मल्टीप्लाई करो,
इसका भी बी को भी अलाउड होगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट ऑन कमीशन नेट प्रॉफिट फॉलोइंग सैलरी आफ्टर अलाउइंग सैलरी ए और बी। तो देखो जो कमीशन निकलेगा ना यहाँ पे ए और बी का माइनस करने के बाद, तो बच्चे जिसका भी ये डाउट था आज इसको भी हम खत्म करेंगे, क्योंकि कमीशन वाले पॉइंट को भी आज हम कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया आपने? हाँ सर बिल्कुल कर लिया। अगला टॉपिक कराओ ना, ये इसमें तो हम चैंपियन हो गए, ठीक है।